सब्सक्राइब करें करियर एकेडमी अंबाला के यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हाय दोस्तों, मेरा नाम सोहन सिंह है और अब मैं अनअकैडमी पे एक एजुकेटर हूं। आप यूट्यूब के अलावा अब अनअकैडमी पर मेरे लेक्चर देख सकते हैं। मैं अनअकैडमी के लिए अब जनरल स्टडी, जीके और चाइल्ड वेलफेयर पेडागॉजी के और इसके अलावा हरियाणा से संबंधित लेक्चर वहां पर बनाऊंगा। आप मुझको अनअकैडमी पे फॉलो भी कर सकते हैं। अनअकैडमी की आपको लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी होगी। स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम सीटेट एग्जाम 2018 को फोकस करते हुए चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागॉजी यानी बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के ऊपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में हम आज एक नई थ्योरी करेंगे, जो थ्योरी जो है आम तौर पे जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की हमारी जो थ्योरी रहेगी वो रहेगी रॉबर्ट गैने यानी गैने के सिद्धांत। तो रॉबर्ट गैने ने एक सिद्धांत दिया था जिसे हम हायरार्की ऑफ लर्निंग यानी अधिगम के चरण कह देते हैं। तो रॉबर्ट गैने ने आठ प्रकार का अधिगम बताया अपने सिद्धांत में, जिसको हायरार्की ऑफ लर्निंग कहा जाता है। यानी रॉबर्ट गैने जो हैं शिक्षण में और अधिगम में आठ प्रकार की लर्निंग के ऊपर फोकस करते हैं, जिसके आधार पर वो बताते हैं कि बच्चा जो है किस प्रकार से एक नीचे या लो लेवल लर्निंग से हाई लेवल लर्निंग तक अपने चरणों को पूरा करता है। तो स्टार्ट करते हैं रॉबर्ट गैने का हायरार्की ऑफ लर्निंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं रॉबर्ट गैने का जो क्वेश्चन आया हुआ है, गैने के क्वेश्चन में आया हुआ है कि गैने इज हिज बुक कंडीशन ऑफ लर्निंग हैज़ डिस्क्राइब हाउ मैनी टाइप ऑफ लर्निंग, यानी रॉबर्ट गैने ने कितने प्रकार का अपना अधिगम बताया है। तो आठ प्रकार का अधिगम रॉबर्ट गैने ने बताया है। तो हम रॉबर्ट गैने का लर्निंग का सिद्धांत देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखते हैं कि रॉबर्ट गैने ने अपने आठ चरणों में अधिगम को आठ चरणों में आठ पार्ट में डिवाइड किया है। तो इसने इसको पिरामिड की शक्ल यानी इसको पिरामिड नुमा स्ट्रक्चर के आधार पर दिखाया है। इस पिरामिड नुमा स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग को रखा है और सबसे नीचे जो है सिग्नल लर्निंग को रखा है। तो रॉबर्ट गैने जो है आठ प्रकार के सिद्धांत बताते हैं जिसमें लर्निंग जो है नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती है, यानी लो लेवल से हाई लेवल के बीच में लर्निंग का जो प्रोसेस होती है या प्रोग्रेस होती है वो होती है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं हम लो लेवल से यानी सबसे नीचे से देखेंगे। तो पहला प्रकार रॉबर्ट गैने ने लर्निंग का पहला प्रकार बताया है सिग्नल लर्निंग को, यानी जब बच्चा जन्म के बाद सीखना प्रारंभ करता है तो सबसे पहले सीखने में वो सिग्नल लर्निंग को करता है। यानी अपनी शुरुआती आयु में बच्चा जो है सिग्नल किसी विशेष प्रकार के सिग्नल को देखकर सीखता है, किसी चीज़ों को वो देखता है या उनको छूता है। तो पहला प्रकार जो सीखने का आता है वो सिग्नल आता है, यानी उसमें बच्चा संकेतों के आधार पर शिक्षण ग्रहण करता है। तो ये लो लेवल यानी बहुत ही निम्न स्तर की लर्निंग होती है जिसमें बच्चा बहुत सिंपल चीज़ें देखना, छूना या चीज़ों को पकड़ना, इन चीज़ों के कॉन्सेप्ट जो है सिग्नल लर्निंग में शुरुआत में ग्रहण करता है। दूसरी लर्निंग गैने के सिद्धांत में दूसरी लर्निंग आती है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, जिसे हम SR लर्निंग भी कह देते हैं। स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग में बच्चे को जैसे जैसे कुछ स्टिमुलस दिए जाते हैं, यानी उसको सिखाने के लिए, उसको एक्टिविटीज़ कराने के लिए जब भी उसको स्टिमुलस यानी उत्प्रेरक दिए जाते हैं तो बच्चा उन उत्प्रेरकों पर रिस्पॉन्स देता है। यानी माँ बाप, परिवार या नर्सरी प्राइमरी स्कूलिंग में जब भी उसको चीज़ें सामने दिखाई जाती हैं और उन चीज़ों को देखने के बाद बच्चा क्या रिस्पॉन्स देता है वो स्टार्टिंग लर्निंग जो है उसकी SR यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग का पार्ट आती है। तो रॉबर्ट गैने ने स्टिमुलस रिस्पॉन्स को दूसरे स्थान पर रखा है। रॉबर्ट गैने ने तीसरे स्थान पर साइको मोटर कनेक्शन लर्निंग को रखा है। यानी रॉबर्ट गैने जो है हमारी मांसपेशियों के द्वारा
अपनी काइनेटिक एबिलिटीज के द्वारा जो चीज़ें सीखता है, बैठना, चलना, फिरना, दौड़ना, ये सभी लर्निंग के प्रकार में आते हैं। इनको साइकोमोटर कनेक्शन लर्निंग कहा गया है, यानी शरीर के द्वारा, हाथों और पैरों के द्वारा बच्चा जो है जो गतिविधियां या एक्टिविटीज़ करता है वो साइकोमोटर लर्निंग का पार्ट आती हैं। ये तीसरे भाग में आमतौर पर इसे रखा जाता है। चौथा प्रकार जो है वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, यानी चौथे प्रकार में बच्चा जो है शब्दों को एसोसिएट करना यानी शब्दों को पहचानना सीख लेता है। जब बच्चे को उसके नाम से पुकारा जाता है या वो शब्दों को सुनना और समझना शुरू कर देता है तो उस समय बच्चा लर्निंग के वर्बल एसोसिएशन फेज में आ जाता है। वर्बल एसोसिएशन का अर्थ है कि बच्चा जो है किसी शब्द के साथ एक संबंध, एक एसोसिएशन बनाता है जिसके द्वारा वो चीज़ों की पहचान या चीज़ों के बारे में सीखता है। तो चौथा प्रकार जो है वर्बल एसोसिएशन आता है। रॉबर्ट गैने ने पहले चार प्रकारों को बिहेवियर आस्पेक्ट कहा है, यानी बच्चे के व्यवहार के आस्पेक्ट कहा है। ये सबसे नीचे वाले चार भाग उसमें आते हैं, जबकि जो ऊपर के चार भाग हैं यानी हाई लेवल लर्निंग के जो चार भाग आएंगे उनको उसने कॉग्निटिव आस्पेक्ट यानी उन्हें मानसिक आस्पेक्ट कहा है, उन्हें उन्होंने मानसिक आधार पर देखा है। तो हम देखते हैं पांचवें को। तो पांचवा प्रकार जो है मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। रॉबर्ट गैने ने पांचवा प्रकार बताया कि मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन बहुआयामी यानी बहुआयामी आधार पर बच्चा जो है विभेदन करना शुरू करता है, चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करता है, चीज़ों को डिस्क्रिमिनेट करना यानी चीज़ों को अलग अलग पहचानना, चीज़ों को टेस्ट, रंग, मोटाई, उनके आकार, साइज के आधार पर वो पहचानना शुरू करता है। ये चरण जो है मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग आता है, यानी बहुविभेदन। बहुविभेदन का अर्थ होगा कि चीज़ों को अलग अलग तरीके से पहचानना वो शुरू कर देता है। ये पांचवें प्रकार का अधिगम होता है रॉबर्ट गैने के आधार पर। छठवें प्रकार का सिक्स में बताता है रॉबर्ट गैने कॉन्सेप्ट लर्निंग। कॉन्सेप्ट लर्निंग को कहते हैं कि बच्चा जो है जब अवधारणाओं को ग्रहण करना शुरू करता है, तो इस आयु में बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, वो चीज़ों को कॉन्सेप्चुअल आधार पर लेने लगता है। शिक्षक या कहीं भी समाज में उसे जब कोई चीज़ें प्राप्त होती हैं तो उन चीज़ों को वो कॉन्सेप्चुअली ग्रहण करता है, चीज़ों के बारे में कॉन्सेप्ट बनाता है, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होती है वो बनाता है। इसमें चीज़ों के कारण, प्रभाव, डायमेंशन, इफेक्ट, ये सभी चीज़ें वो जानने लगता है। तो ये छठवें प्रकार की लर्निंग है जिसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट लर्निंग। आगे देखते हैं सेवंथ टाइप की। सातवें प्रकार की लर्निंग आती है प्रिंसिपल लर्निंग, जिसे हम सिद्धांत अधिगम भी कह सकते हैं। प्रिंसिपल लर्निंग जो है सातवां प्रकार है। इस प्रकार में बच्चा जो है सिद्धांत बनाने लगता है, यानी चीज़ों को और व्यापक आधार पर देखता है, चीज़ों को सैद्धांतिक आधार पर परखने लगता है, अपने वैचारिक सिद्धांत बनाने लगता है। तो ये हाई लेवल की लर्निंग का पार्ट होता है, यानी जब बच्चा खुद के सिद्धांत बनाकर उनके ऊपर बात करना, उनके ऊपर चलना शुरू करता है तो उसे हम प्रिंसिपल लर्निंग को या प्रिंसिपल लर्निंग कहते हैं। अंतिम आठवां भाग जो है, आठवां भाग सबसे इम्पॉर्टेंट है, लास्ट है ये, जिसे प्रॉब्लम सॉल्विंग कहा जाता है। यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग जो है सबसे हाई लेवल लर्निंग आती है, सबसे उच्च आधार पर सबसे हाई लेवल की लर्निंग आती है। इस लर्निंग में बच्चा जो है समस्याओं को हल करने लगता है, यानी प्रॉब्लम सॉल्व करने लगता है। जब भी वो किसी समस्या को देखता है, उसके डायमेंशन को परखता है और डायमेंशन को परखने के बाद उनको सॉल्व करने का प्रयास वो करता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में बच्चे की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। ये सबसे उच्च, सबसे हाई लेवल की, रॉबर्ट गैने के आधार पर देखें अगर हम, तो हाई लेवल की लर्निंग आती है, उच्च आधार की लर्निंग आती है, जिसे हम कहते हैं समस्या समाधान अधिगम। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो लर्निंग है ये गैने ने सबसे ऊपर यानी आठवें स्थान पर रखा है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि रॉबर्ट गैने ने सबसे बेहतर, सबसे अच्छी लर्निंग किसे कहा है, तो सबसे अच्छी लर्निंग जो है
रॉबर्ट गैने के आधार पे प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग आती है, यानी समस्याओं को जब बच्चा सॉल्व करने लगता है वो सबसे उच्च प्रकार का अधिगम हो जाता है। इसमें बच्चा मानसिक क्रियाओं का सबसे ज़्यादा प्रयोग करता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे निम्न सबसे लो लेवल की लर्निंग, तो सबसे लो लेवल में सिग्नल याद रखना है आपको, सिग्नल यानी संकेतात्मक अधिगम। तो संकेतात्मक अधिगम जो है सबसे लो लेवल, सबसे निम्न स्तर का अधिगम आता है जब बच्चा स्टार्ट करता है, और सबसे ऊपर आएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। तो इस लेक्चर में हमने रॉबर्ट गैने के हायरार्की ऑफ लर्निंग यानी आठ प्रकार की लर्निंग को कवर किया। रॉबर्ट गैने ने आठ प्रकार के अधिगम बताए, तो मैंने आपको आठों के आठ जो हैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करके बता दिए हैं। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।